नमस्कार नमस्कार मैडम जी नमस्कार बढ़िया है आपका पुलिस थाना ये पुलिस थानों है तुम्हारे बाप को घर नहीं जब तक ना बोलो जाए तब तक खड़े रहो ये क्या कर रहे हैं आप लोग नहीं वो का बात हती ना कि अभी अभी कुर्सी पे जो है वो पेंट कियो है तो कुर्सी हती गीली तो यही मारे मैडम जी ने जो है कुर्सी पे लात मारी नहीं तो गलती थे अगर आप लोग कुर्सी पे बैठ जाते तो पिछवाड़ो है जातो कत्थई कत्थई और कत्थई पिछवाड़ो जो है वो अच्छो ना लगे देखो कभी कत्थई पिछवाड़ो नहीं अच्छो ना लगे चेयर लाओ चेयर सर बैठिए सर आप बैठिए बैठिए चील सर चील दो बार हार्ट अटैक आ चुका है ना अगर तीसरी बार आ जाता ना हमें तो लेने के देने पड़ जाते कोई बात नहीं अच्छा तो आप हैं टूटे जा कॉलेज और इंस्टीट्यूट के मालिक जी हम ही टूटे जाए ज्ञान प्रकाश टूटे जा हमारा नाम है शहर के सारे पुलिस अफसर हमारे बंगले पर आते हैं शाम में चल करने लेकिन हम आपके यहाँ चल कर आए हैं आपने हमें याद किया इसलिए बहुत बढ़िया चलो अब डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं हाँ तो बात ऐसी है भैया ये जो तुम अपने कॉलेज में एजुकेशन का इलीगल दुकान खोल के बैठे हो ना इसको कर दो तुरंत बंद और सही कायदे में शुरू कर दो शिक्षा प्रणाली 24 घंटे का समय दे रहे हैं तुमको बहुत प्यार से समझा रहे हैं समझ लियो वरना कानून का बुलडोजर चल पड़ा ना तो तुम्हारा ये टूटेजा साम्राज्य मिट्टी का मैदान बना देंगे समझी तुम अभी हमें जानती नहीं हो समझी ना आज तक टूटेजा को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया और हाथ लगाना तो दूर की बात है किसी ने टूटेजा को छुआ तक नहीं है सर 24 घंटा मैडम आप खुशकिस्मत हैं, नसीब वाली हमारे टूटेजा साहब गांधी जी के परम भक्त हैं, इसलिए आपका एक थप्पड़ खा के भी चुपचाप बैठे हैं अगर गलती से एक लग गई होती और तो फिर ये बताते कि ये क्या चीज है फिर पड़ गया चील चील नारी नारी है इसलिए आपका ये दूसरा थप्पड़ भी सह गया लेकिन अब अगर तीसरा लगा तो फिर ये नहीं देखेंगे कि औरत है या मर्द है हाँ आया अरे तेरी ओ चील सर चील ओ ओ अरे तीसरा बस बस अब इनके अंदर का जेंटलमैन यही खत्म हो गया अब अगर आपने इनका कॉलर पकड़ा और 5 मिनट तक कंटिन्यू धुलाई की और इनके हड्डी पसली को तोड़ा और हॉस्पिटल केस बनाया फिर ये बताएंगे कि ये कितने खतरनाक आदमी है क्यों सर ठीक कहा ना सर 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 चील चील सर चील चील सर सर चिल चिल सर करिश्मा सिंह आप अच्छे से जानती हैं कि टूटेजा के खिलाफ हमारे पास कोई भी केस नहीं फिर भी आपने उसे थप्पड़ मार दिया वो भी एक नहीं तीन तीन पहले थप्पड़ में थोड़ा मजा सा नहीं आया था दूसरा ठीक ठाक लगा इसलिए तीसरा और लगा दिया यही तो सुनना ही नहीं ना इनको किसी की चलो अब घर पर किसी की बात नहीं सुनती मान लिया मगर यहाँ पुलिस स्टेशन में तो किसी की सुननी चाहिए कि नहीं कितना मना किया कितना समझाया लेकिन नहीं सुनना ही नहीं ना किसी को एक मिनट आपने कब मना किया हाँ मना करते तो जैसे मानी जाती आज तक कौन सी बात मानी है हमारी कौन सा बात नहीं माना आपका जब से शादी हुआ है इन्हीं का ही बात मान रहे हाय भैया कल रात को पैर दबाने के लिए बोले दबाए तो 3 बजे उठ के कौन पैर दबाता है
अब दर्द के अलार्म लगाकर आएगा क्या? जब भी होगा तभी बोलेंगे ना हम। अरे शुक्र मनाइए, आपको हमारी जैसी एकदम सीधी सादी भोली भाली गऊ सास मिली है। ऐसी क्या देख रही हैं आप? हमारी जगह कोई और होती ना तो मना करने पर सीधा गला दबा देती। गला बस कीजिए आप लोग, कुछ तो लिहाज कीजिए, पुलिस स्टेशन है ये। और करिश्मा सिंह आप समझ नहीं रही हैं। समझ आप नहीं रही है मैडम सर, बिच्छू को पाला नहीं जाता, उसका डंग जो है ना वो तोड़ा जाता है। और ये जो टुटेजा है ये क्रिमिनल है, उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया गया जैसे बाकी क्रिमिनल के साथ करते हैं। क्रिमिनल्स भी इंसान होते हैं, जरूरत है तो बस थोड़ी सी हमदर्दी, थोड़े से सब्र और प्यार से पेश आने की। अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर जब कोई चोर चाकू लेकर सिर्फ आपका पर्स छीनने के लिए कलेजा छीनने की बात करेगा ना, तब जाकर आपका ये क्रिमिनल्स को लेके जो ये सो कॉल्ड इमोशनल आइडियोलॉजी है ना, ये चेंज हो जाएगा। ये जंगल राज है मैडम सर, और जंगल में जीने के लिए बेरहम होना पड़ता है। माना कि ये जंगल राज है, लेकिन इस जंगल राज में हम इंसान हैं, और हमारे पास इन अपराधों से लड़ने के लिए दिमाग के साथ साथ इस वर्दी की ताकत और खुद का हौसला भी। इसलिए हमारी लड़ाई अपराधी के अंदर की उस बुराई से, अपराधी से नहीं। आप जा सकती हैं करिश्मा सिंह। जय हो। प्रणाम। पहुंचे मैडम जी आपके चरणों को। प्रणाम। वाह, ऐसी होती है थानेदारनी, ड्यूटी ऑन ड्यूटी। अरे आपको देख के तो बंदा खुद पंगा लेकर थाने में आना चाहेगा। और पुष्पा जी, आपको हम एक बात बताएं, हमने ऐसी पहली बंदी देखी है जिनका नेम और फेस दोनों मैच कर रहा है। हसीना मलिक। वाह क्या नाम है, बहुत ही बढ़िया नाम है। परफ्यूम, ब्लैक रोज, राइट? कौन है मैडम? ये सनी है, यहाँ का लोकल न्यूज चैनल है ना, वहां का रिपोर्टर। खबरें और लेडी परफ्यूम दोनों इसकी कमजोरी हैं, सूंघते हुए कहीं भी पहुंच जाता है। वैसे परफ्यूम की खुशबू तो यहाँ से भी बुरी नहीं आ रही है मिस। संतोष भाई, तुम्हारा नाम नहीं पूछा, इनका पूछा? इनको ही नाम बता रहा हूँ लाला। अरे तो इनको बताने देना। सुना नहीं प्रसाद खाते पंडित और लाइन मारते आशिक के बीच में नहीं आते, समझ जा यार। बेटा उंगली ऊंची करके ऐसा घुसंड मारूंगा ना कि या तरफ की पसलियां वा तरफ की पसलियों के साथ में डांडिया करेंगी। मैडम सर के सामने बदतमीजी नहीं। सॉरी मैडम सर, माफ कर दीजिए, बॉर्न डिफेक्ट, सॉरी। यहाँ क्यों? अब ये तो सभी को पता है कि पुलिस और मीडिया का रिश्ता बहुत पुराना है, और भले ही उस रिश्ते में कितने भी स्यापे हो लेकिन वो इस रिश्ते को मानते जरूर, तो उसी रिश्ते को निभाने के लिए और ये देने के लिए मैं आया हूँ। ये तो ताला है। स्मार्ट। और ये ताला बहुत जल्द इस थाने पे लगने वाला है, क्योंकि आपकी सब इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह ने टुटेजा के गाल सेक कर जो उनकी बेइज्जती की है ना, वो चुप नहीं बैठेगा। मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो बहुत बड़े आदमी है, उनकी जेब में पैसा, दौलत, सत्ता, पावर सब कुछ है। वो पूरी जान लगा देगा इस थाने को बंद करवाने के लिए। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आ सकता है, अगर आप चाहें तो। कैसे? कल के न्यूज चैनल में ये खबर आने वाली है कि दरोगा करिश्मा सिंह ने इस शहर के सबसे बड़े ट्रस्टी ज्ञान प्रकाश टुटेजा को थप्पड़ मारा, भीषण अपमान है ना। अब इस खबर को वापस सुन जो मैं दिखा सकता हूं। इस शहर के सबसे बड़े कॉलेज ट्रस्टी ज्ञान प्रकाश टुटेजा ने एक महिला अधिकारी के साथ की बदतमीजी और किया उनका अपमान, और उसी के बदले उसी महिला अधिकारी ने दिया करारा जवाब। कैसा लगा? पूरी कहानी पलट गई, अब टुटेजा कुछ नहीं कर पाएगा। ऑफर क्या है? आपको कैसे पता कि मैं कोई ऑफर देने वाला हूं? तजुर्बा कहता है हमारा कि दुकानदार और खबर दोनों ऑफर पे चलते हैं, सामान पे नहीं। वेरी इंटेलिजेंट, आई एम इम्प्रेस्ड, ब्यूटी विद ब्रेन्स, वेरी नाइस। सो मेरा ऑफर बहुत ही सिंपल, मैं कल के अखबार में एक खबर छापूंगा और बदले में इस थाने से निकलने वाली हर एक खबर को आप सबसे पहले सनी चड्डा के साथ शेयर करेंगे, उसे मैं अपने न्यूज चैनल पर दिखाऊंगा, उसके बाद में उसके छिलके आप कहीं पर भी बांट दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। डील डन। लेकिन हमारी भी एक शर्त है। अगर शर्त नहीं होती
तो मुझे हैरानी होती। फरमाइए। शर्त यह है कि जब भी हमें आपकी या आपके न्यूज चैनल की जरूरत होगी तो आप बिना कोई सवाल पूछे मदद करने आ जाएंगे, मंजूर? अरे मंजूर, बिल्कुल मंजूर। खबरों के लिए तो मैं कहीं पे भी पहुंच सकता हूँ। तो आज से ये थाना मेरा और मैं स्थानिक। अच्छे से करना। यस संतोष शर्मा। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। हो गई आपकी प्रेजेंटेशन तैयार? यस मैडम सर। ठीक है, तो फिर क्या है टुटेजा का बैकग्राउंड? बचपन से लेकर आज तक की पूरी डिटेल निकालिए मैडम सर। टुटेजा बचपन में अपने बिस्तर में बहुत ज्यादा सुसु पॉटी करता था। उसकी मम्मी उसकी सुसु पॉटी साफ करते करते। संतू, कांस्टेबल संतोष, इतना समय नहीं है किसी के पास। वो टुटेजा को थोड़ा बड़ा करो। हाई स्कूल में टुटेजा जब और थोड़ा बड़ा, कॉलेज चलेगा। कॉलेज में पहुंचते ही फर्जी एजुकेशन का धंधा शुरू कर दिया। शुरुआत की कोचिंग इंस्टीट्यूट से, जहां के बच्चे कॉलेज में टॉप करने लगे। पैसों से रैंकिंग फिक्स करता है। फर्स्ट रैंक की सबसे ज्यादा कीमत, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर जैसा रेट वैसा रैंक। फिर टुटेजा ने खोला मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज, जहां से फर्जी डिग्री का धंधा और भी ज्यादा बढ़ गया। पैसों ने पावर खरीदी, पावर ने सिस्टम, और यू बन गया ये टुटेजा करप्ट एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा मगरमच्छ। लेकिन टुटेजा के स्टूडेंट्स को एग्जाम दिए बिना असली डिग्री मिलती कैसे है? क्यों नहीं मिल सकती मैडम सर? जब एग्जाम देने टुटेजा के स्टूडेंट्स के जगह टुटेजा के ही क्वालिफाइड लोग देंगे तो रिजल्ट भी तो वैसा ही होगा ना। ये कैसे हो सकता है? किसी और की जगह कोई और जाके परीक्षा कैसे दे सकता है? यही तो, ये लोग बहुत चातुर हैं। ऐसे ऐसे पैंतरे आजमाते हैं कि जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये देखिए, ये कुछ फोटोज निकाली है मैंने। ओह सॉरी 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 मैडम सर, सॉरी। ये देखिए, अब अगर एंट्रेंस आईडी कार्ड पर ये फोटो हो और मैं ये कहूं कि ये फोटो पुष्पा जी की, तो क्या कोई इन्हें रोक सकता है एग्जाम देने से? फिर बेशक ये फोटो करिश्मा मैडम की हो। मैडम सर, यही गोरख धंधा चलाकर फर्जी एग्जाम देकर असली डिग्री हासिल की जा सकती है। स्टूडेंट कोई और होता है और एग्जाम देने कोई और जाता है, तो अलग अलग फोटोज को आपस में इतने स्मार्टली और इतने इजीली मिक्स किया जाता है कि एंट्रेंस बहुत आसानी से क्लियर किया जा रहा है, तो डिग्री भी तो ओरिजिनल ही होगी ना। ये फोटो मुझे मिल सकेगा? तुम क्या करोगे इस फोटो का? टॉर्चर रूम में लगाऊंगा अपराधी को डराने के लिए। मैंने कहा था ना मैडम सर, इस टुटेजा के खिलाफ कुछ भी प्रूफ करना इम्पॉसिबल है। सही कह रहे हैं संतू, ये टुटेजा जो है ना, वो कभी किसी से सीधे डील नहीं करता। वो जो कुछ भी करता है वायरस शेट्टी जूनियर की आड़ में करता है। अगर ये वायरस शेट्टी जूनियर हमारे हाथ आ जाए ना, तो हम टुटेजा के खिलाफ जरूर कुछ कर पाएंगे। एक मिनट, ये वायरस शेट्टी जूनियर कौन है? बहुत ही रहस्यमय टाइप का आदमी है ये मैडम सर। कोई ना जाने कि आखिरकार है कौन ये वायरस शेट्टी जूनियर। और नाम तो छोड़ो, कोई ने शक्ल तक ना देखी बाकी आज तक। जयंत मैडम सर, हम काय बैठे हैं यहाँ पे? हम पता लगाएंगे ना उस वायरस शेट्टी जूनियर के बारे में? 56 भोग का भोजन खिलाएंगे ससुरे को और पता लगाएंगे उससे टुटेजा का सारा सबूत। ये लीजिए करिश्मा सिंह, नया ताला है, अभी अभी सनी देकर गया है। आप खुद ही इसे थाने पर लगा दीजिए। हम कुछ समझे नहीं मैडम सर। जाहिर सी बात है, अब आप वायरस शेट्टी को ढूंढेंगी अपने तरीके से, ढूंढने में ही दो चार कानून तोड़ देंगी, और इस बात का पूरा फायदा उठाएगा वो टुटेजा। नतीजा क्या? ये थाना हमेशा हमेशा के लिए बंद। तो फिर ये काम आप अभी कर दीजिए ना अपने शुभ हाथों से। माफ कीजिएगा मैडम सर, हम इतने भी बेवकूफ नहीं है जितना आप हमें समझ बैठे हैं। हम भी जानते हैं कब कहां कितनी ड्यूटी करनी है। कोई मौका ही नहीं देगा तो कैसे साबित करें खुद को?
अच्छा मौका चाहिए आपको, ठीक है, दिया मौका, आप अपनी ड्यूटी कीजिए अपने तरीके से और हम करेंगे अपने तरीके से, देखते नतीजा क्या निकलता है, आपका जोश जीतता है या हमारा होश, देख लीजिएगा मैडम सर। जय मैडम। पुष्पा जी। जी मैडम सर। पत्ते छाटने की जगह अगर डायरेक्ट जड़ को थामा जाए तो? जड़ मैडम सर? अब वायरस शेट्टी जूनियर तक हमें पहुंचाएगा उसका बाप, वायरस शेट्टी सीनियर। मगर ऐसा तो कोई है ही नहीं मैडम सर। तो हम बना देते हैं। मगर कैसे? कैसे पता नहीं, पर गलती तो हुई है मुझसे, पर मेरे सामने एक समस्या थी। इंदु हर रोज गांव से इतनी दूर शहर में जाकर कॉलेज अटेंड करे, यह आसान नहीं था और हॉस्टल के लायक मेरी हैसियत नहीं थी, तो इंदु को पढ़ाऊं तो पढ़ाऊं कैसे? और ऐसे में मुझे किसी ने टुटेजा कॉलेज के बारे में बताया। क्या बताया टुटेजा कॉलेज के बारे, थोड़ा हमको डिटेल में बताइए। यही कि इंदु कॉलेज अटेंड नहीं करेगी तो चलेगा, उसे घर बैठे डिग्री मिल जाएगी। बस मुझे क्या चाहिए था, मैंने करा दिया उसका एडमिशन, पर इंदु को तो पढ़ना था, उसे पढ़ लिख कर डिग्री हासिल करनी थी। अब वाकई होना भी यही चाहिए था, क्योंकि बिना शिक्षा की कैसी डिग्री, वाकई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कितना पैसा दिया था? 1,25,000 रुपए। किसको दिया था पैसा? हमारे दूध वाले को, उसी ने तो करवाया था हमारा एडमिशन टुटेजा कॉलेज में। और कहां पाया जाता है आपका ये दूध वाला? पढ़ाई में मन लगता है? बिल्कुल नहीं। तो डिग्री चाहिए तुमको एकदम सस्ते में, इंटरनेशनल वाली। कहाँ से? इस नंबर पे फोन करना। लगता है मैडम हम घबरा जाएंगे आपको देख के, कांपने लगेंगे? आप हमें डराएंगी धमकाएंगी तो क्या हम थर थर कांपने लग जाएंगे? आपके डर के मारे हम सब कुछ उगल देंगे? बहुत ही गेंडा चमड़ी है मैडम हमारा, इतना आसानी से कुछ नहीं उगलने वाले हम। इससे पहले कि सब कुछ दिखना बंद हो जाए, सबसे पहले बताओ अपना नाम। राजेंद्र प्रसाद। नकली डिग्री का धंधा करते हो? करते हैं मैडम। वायरस शेट्टी जूनियर को जानते हो? जानते हैं। कहाँ मिलेगा? टॉय फैक्ट्री के पीछे उनकी गाड़ी पार्किंग में मिलेगी, वो नंबर पर। क्या नंबर है? वो 3610 मैडम, हाथ पे लाल कपड़ा बांध के रखेगा, वो अपने आप आ जाएगा। और हाँ, अगर इस बात का खबर हुआ ना किसी को तो एक और। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वायरस शेट्टी सीनियर बोल रहे हैं, बताइए क्या बात हुई? अच्छा अच्छा, इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए बोल रहे हैं। हाँ जी मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, बताइए कितना पैसा लगेगा? एक सेकंड होल्ड करो, पैसा पूछ रहा। 25,000। लाख मैं थोड़ी मिलेगी, 25,00,000 में मिलेगी। का? का बोल रहा है? अबे जितने में तू इंजीनियरिंग की डिग्री के सपने देख रहा है ना, उतने में मैयत की अगरबत्तियां भी नहीं आएंगी, समझोगे? फोन काट। हेलो हसीना जी, कैसे लग रहे हैं? इमरान,
मैडम सर हम अभी आते हैं। ये सुंदर फूल आपका दिन बहकाने के लिए, कबूल कीजिए। अरे लीजिए लीजिए, शर्माइए नहीं। थैंक यू। आप यहाँ कैसे? अरे हसीना जी, वो रेस्टोरेंट के बाद हमारी मुलाकात तो हुई नहीं, हाँ? और फोन भी कितने किए आपको, पर आप उठाए नहीं, शायद बिजी होंगी। आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग राइट नाउ। नो नो प्लीज बैठिए। अच्छा एक और बात बोलना चाहते थे आपसे। हाँ हाँ। क्या है ना, आपके पुलिस में होने से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, उल्टा ये तो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। हाँ? पूरे मोहल्ले में सीना ठोक के बताएंगे हमारी होने वाली बेगम पुलिस इंस्पेक्टर है। सोचिए क्या ठाट होगी, आप पुलिस इंस्पेक्टर, हम डॉक्टर, हैं? जस्ट लाइक राजमा चावल। मैडम सर एक और इंक्वायरी आ रही है, डॉक्टर की डिग्री के लिए कितना पैसा बोलूं? वही जितना इंजीनियरिंग का कहा था, 25 लाख। हाँ बहुत अच्छा। वाह आई मीन दैट्स ग्रेट। नहीं मतलब सही है, आजकल तो ऊपर की मलाई कमाई सब खाते हैं। एक्सक्यूज मी, लेकिन एक बात बताना चाहते हैं आपको, क्या है ना आजकल डॉक्टर की डिग्री के रेट बढ़ गए। आजकल डॉक्टर की डिग्री के 30 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। अच्छा आपको कैसे पता? अरे छोड़िए वो सब, चलें। कहाँ? यही पास में बढ़िया रेस्टोरेंट है, चलते हैं, खाना वाना खाएंगे और क्या। नहीं सॉरी आज नहीं, आज एक्चुअली ना सुबह से मेरे पेट में बहुत ज्यादा क्रैम्स है, बहुत दर्द हो रहा है, 2-3 बार उल्टी भी हो चुकी है। आई थिंक मुझे ना फूड पॉइजनिंग हो गया है। आप डॉक्टर है ना, आप मुझे कोई दवाई लिख के दे देंगे प्लीज? दवाई? हाँ हाँ फूड पॉइजनिंग की। थैंक यू सो मच। मैडम सर मैसेज आ गो। हाँ दो। इस तरह चिल्लर बटोर कर क्या होगा, मुझसे हाथ मिलाओ और बन जाओ अरबपति, मिलकर काम करते हैं, मंजूर हो तो आज रात टॉय फैक्ट्री के पीछे गाड़ी नंबर 3610 के पास मिलो, पहचान के लिए एक हाथ में लाल कपड़ा बांध कर आना, आज रात ठीक 12 बजे, वायरस शेट्टी जूनियर। गाड़ी वहाँ पर है, सब कुछ तैयार है, आप लोग रेडी है ना? जी मैडम। ठीक है, अगर आपको लगे कि कोई भी खतरा है तो हमें इशारा कर देना। कैसे करेंगे? मैडम सर मैं सीटी बजा दूंगा। मैडम सर हाँ जी, ब्लूटूथ लाए हैं। हाँ ये अपने पास रखिए। हाँ और फोन अपना ऑन रखिए। हाँ। हम आपको सिग्नल दे देंगे। हाँ ठीक है। संतू जी क्या कर रही है? ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। तो ये पुलिस फोर्स में काम ही बहुत करना पड़े। तो तुम्हारी सस्पेंशन की बात चलाएं हम? हमारा तो मन से लग गया। वायरस शेट्टी जूनियर आ गया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।